Hey guys, welcome back to my channel. This is Sasleen Kaur Neighbor. आज आपका स्वागत है एक नए वीडियो में. तो आज ये वीडियो है, तो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे डाला था कि मैं एक Q&A वीडियो करने वाली हूँ यूट्यूब पे. और उसके लिए मैंने आप लोगों से पूछा था, अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं पता है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं नीचे आएगा कौर नेब नाम है इंस्टाग्राम पे भी मेरा, आप उधर जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. और उधर मैंने पूछा था, आप लोग को बोला था कि मुझे कुछ सवाल पूछे जिसके ऊपर मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी. बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं आया क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है, बट दैट्स ओके. जितने भी सवाल आए उनका आंसर आज मैं करने वाली हूँ वीडियो में. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फ्यूचर गोल्स? तो एक्चुअली मैं होटल मैनेजमेंट नहीं बोल सकते आप, मैंने वो वाला होटल मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, मैंने कलिनरी आर्ट्स कोर्स किया है. तो 1.5 साल के लिए, और 1.5 साल में ड्रॉप आउट हूँ, 1.5 साल में ही मैं ड्रॉप आउट हो गई थी, 3 साल का कोर्स था. तो फ्यूचर गोल्स मेरे मोस्टली होंगे मेरी मॉम के लिए जो एक घर अच्छा सा, और ट्रैवल करना है मुझे उनके साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा, खुद की कार लेनी है, बहुत मतलब ये सभी फ्यूचर गोल्स है करंटली. और लेट्स सी, मतलब वॉट एवर फ्यूचर होल्ड्स आई एम रेडी फॉर इट. तो अभी के लिए तो यही है कि एक कार, एक अच्छा घर और वर्ल्ड टूर, तो ये मेरा फ्यूचर गोल है अभी के लिए. और ख़ुद का एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मैं हमेशा से आई थिंक, देखो ऑर्गेनाइजेशन कितने भी टाइम पे ग्रो होए, मतलब कोई बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो कितने भी टाइम पे ग्रो होए, दैट्स फाइन फॉर मी. बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग बिफोर आई गेट मैरिड, मतलब जब भी मेरी शादी हो, अभी तो मैं सिंगल हूँ, पर जब भी मेरी शादी हो उससे पहले मैं खुद का एक वेंचर या खुद का बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन समथिंग मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ. उसको मैं बाद में शादी के बाद भी वो करूँगी, संभाल लूँगी, शादी करूँगी नहीं करूँगी वो नहीं पता, बट स्टिल मतलब जैसा आप सोचते हो इस टाइम पे, तो वही मेरे फ्यूचर गोल्स है. सेकेंड क्वेश्चन है, आपको पीस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? मुझे पीस सबसे ज़्यादा मिलता है गोल्डन टेम्पल में. मैं हरमिंदर साहब जाती हूँ, उधर जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी ने बस सब मेरी परेशानियाँ ले ली, स्नैच कर ली, मुझे बोला अभी मैं ये हैंडल करूँगा. जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी आई थिंक मुझे इतना रिलीव मिला था, मेरे फादर की डेथ के बाद मैं गई थी 1-2 साल बाद, एंड मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी. तो पर उधर जा के मुझे इतना रिलीव और शांति मिली थी कि मैं जब भी जाती हूँ ऐसा ही फील होता है मुझे. सबसे ज़्यादा पीस मुझे मिलता है गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब में. डू यू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स? येस आई डू, आई लव एवरी रिलीजन. मुझे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मेरे हिसाब से. आप बहुत लोग को ना एकदम ऐसे हल्का हल्का फ़र्क पड़ जाता है कि मैं ये रिलीजन के सामने क्यों ऐसा करूँ, मैं ऐसा ऐसा क्यों करूँ. मुझे कभी नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे नहीं ऐसा लगता कि अगर आपके, अगर आप रिलीजियस हो अगर, और आपके रिलीजियस वैल्यूज आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आप किसी और रिलीजन के सामने माथा टेकना हो. तो आई लव ऑल रिलीजन्स, आई लव ऑल कल्चर्स. मुझे इतनी मज़ा आती है सारे फेस्टिवल्स में, मुझे तो बस मतलब मुझे बहुत, और मुझे सीखना बहुत पसंद है, तो मैं हर जगह जाके ना इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ, मज़ा आती है, कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं. तो एकदम एक अलग तरीके की, मतलब आपका दिमाग का रेंज भी वाइडर होता है अगर आप हर रिलीजन का प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो. मैं तो करती हूँ एटलीस्ट. मैसेज क्यों नहीं देखते आप? देखो ये रैंडमली किसी ने मुझे मैसेज, मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछा, मैसेज क्यों नहीं देखते आप? तो पहली बात, पहले तो मैं बता दूं कि रैंडमली अगर मुझे, मैं जिसको नहीं जानती हूँ, कोई मुझे टेक्स्ट करेगा, DM करेगा, उसका आंसर मैं नहीं दूंगी. मैं जब पहले, जब इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था तब DMing का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड था. उस टाइम पे मैंने एक दो बार ट्राई किया है, बट यू नो देखो मैं
कोई भी इंसान को वो नहीं करना रहती। मोस्टली जो लड़के होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको लीड ऑन कर रही हूँ जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो अगर आप रैंडमली कोई इंसान हो इस दुनिया में मुझे DM करोगे तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगी। तो मैसेज क्यों नहीं देखते आपका, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आई होप। कैसा लड़का चाहिए? मेरे ये क्वेश्चन का क्या आंसर दूँ मैं, मतलब रिसेंटली मुझे मेरे आजू बाजू आई थिंक वाइब हो गई है अभी, क्योंकि मुझे रिसेंटली 2 रिश्ते आए। और कैसा लड़का चाहिए, कैसा लड़का चाहिए? अच्छा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जो रिस्पेक्ट करता हो, हर इंसान की भी रिस्पेक्ट करता हो, उनके वैल्यूज़ की भी रिस्पेक्ट करता हो। और ज़िंदगी में किसी भी मतलब देखो, एक तो उसको पैशनेट हो चीज़ों के बारे में, मतलब समझ रहे हो ना, एक काम जो होता है इंसान का, किसी एक चीज़ के बारे में काम के हिसाब से इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और पसंद करता हो ऐसे, मतलब मेहनत करने में यकीन रखता हो ज़िंदगी में, अच्छा इंसान भी हो, रिस्पेक्ट करता हो लोगों की, लोगों की फीलिंग्स की, लोगों के वैल्यूज़ की, लोगों के रिलीजन की और रिस्पेक्ट करता हो और अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा ये सब बोलते हैं। पर आई डोंट नो कैसा मिलेगा मुझे, मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी तो अच्छे, पर हाँ थोड़ा सिंपल भी हो अंदर से, सिंप्लिसिटी हो उसके अंदर, और क्या बिलीव करता हो कि हाँ एक बार आप किससे शादी करते हो आपका वो कमिटमेंट होता है लाइफ टाइम का, आप ऐसे ही उसको स्पॉइल नहीं कर सकते। तो आजकल जो जितना मैं देख रही हूँ वो चीज़ बहुत कम होती जा रही है, तो वैसा तो मुझे चाहिए, वो तो आई थिंक वो तो चाहिए ही चाहिए टाइप होना चाहिए लड़के में। और क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं हूँ 24 ईयर्स की, पर मेरी जो सोल है पूरी वो ओल्ड स्कूल, ओल्ड सोल आप कुछ भी बोल सकते हो, वो हूँ मैं। तो मुझे, मैं ये सब वैल्यूज़ में अभी बिलीव रखती हूँ, मैं फैमिली वैल्यूज़ में बहुत बिलीव करती हूँ। तो सेलिब्रिटी एनकाउंटर कोई हुआ इंटरेस्टिंग वाला, तो मैं, ये मेरा लास्ट ही क्वेश्चन था, तो मैं ज़िंदगी में मैं कभी भी ऐसा कोई सेलिब्रिटी इनकाउंटर में, मतलब मैं कभी ऐसे करती नहीं कोई सेलिब्रिटी को देखते ओ माय गॉड मुझे क्यों फ़ोटो क्लिक करानी है, मोस्टली नहीं करती। सिर्फ मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, शेफ विकास खन्ना, अगर आपको पता हो देखो क्या हो रहा है। तो शेफ विकास खन्ना एक बहुत ही स्वीट अमेजिंग पर्सन है और बहुत अमेजिंग, उनका मतलब टैलेंट लेवल ही अलग है। उनके अंदर जो कुकिंग के बारे में जो उन्होंने नॉलेज गेन की, माय गॉड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने जाना था, मैं ट्रेनिंग कर रही थी एक होटल में और मैंने जाना कि शेफ विकास खन्ना उधर, आई वेंट क्रेजी, मुझे मिलना मैं मेरे सारे शेफ को, और मतलब आई डिडंट केयर कि मेरे कोई बड़े अथॉरिटी में है बंदा या आजू बाजू जो लोग हैं मुझसे ज़्यादा काम कर चुके उधर और मैं जूनियर हूँ, मैंने सबको बोला मुझे मिलना है शेफ विकास खन्ना। और मैं मिली उनसे, एंड रियली स्वीट, इतने डाउन टू अर्थ इंसान है ना, सबको मतलब हाथ मिला के जाते हैं, सबको थैंक यू बोल के जाते हर जगह। कोई इंसान स्वीप कर रहा था उधर, उसको भी थैंक यू बोल रहे हैं, मैं और ये सच नाइस। और कोई भी नहीं रेस्टोरेंट में, एक वो बंदा जो स्वीप कर रहा है और वो सामने आ गया था आई थिंक शेफ के, और शेफ बोल रहे ऐसे, मतलब उन्होंने उनको देख उसको देखा और उसको थैंक यू, इतने स्वीट कैसे कोई इतना न्यूयॉर्क में रहा हो, हॉटेस्ट शेफ भी उन्हें डिक्लेयर किया है, एंड ही सो फेमस इंटरनेशनली एंड नेशनली, इंडिया में और बाहर कितने फेमस है, और ये सच स्वीट पर्सन, मतलब इतने डाउन टू अर्थ है वो। तो आई थिंक सिर्फ मैं, और कोई सेलिब्रिटी के तो कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा है, बट मैं कभी ऐसा करती थी, बट शेफ कुणाल कपूर भी, दोनों अमेजिंग है, अमेजिंग। अगर आप नहीं जानते तो उनके बारे में जानो,
दे आर वेरी गुड, सबसे बात करते हैं, फोटो क्लिक कराने में भी नो सुनती, अरे अरे करो 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 फोटो क्लिक करो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ये वो ये। तो बस अगर मुझे आई होप ये जो क्यू एन ए हुआ है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा आप मुझे जान गए होंगे। और ये क्यू एन ए सेशन होते हैं इसके लिए कि जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को वो मेरे चैनल में मुझसे कनेक्ट कर सके। तो बस यही था मेरा क्यू एन ए सेशन। जब मेरे फॉलोवर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आई होप कि और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तब मैं और एक क्यू एन ए सेशन करूँगी सून आई होप। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने मुझे अच्छी तरह जाना, थोड़ा और जाना ज़िंदगी में, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी आपसे, कुछ इंटरेस्टिंग करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।